सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को VN ऐप की सहायता से कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना सिखाया गया है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को सबसे पहले VN ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ से मैं VN ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले नीचे यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद फिर से ऊपर आप लोग का न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, तो न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग कोई भी फोटो को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इनमें से किसी भी फ़ोटो को ऐड कर लूँगा, तो मैं इस फ़ोटो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और ऐड करने वाले दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इस साइड आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आने वाले लास्ट में आप लोग को देख सकते हैं ब्लैक यहाँ पे लोगो होगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग को टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने में नीचे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। एंड इसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे इसी वाले पे फिर से टैप कर देना होगा। एंड टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको इस साइड इंक्रीज करना है। ठीक है, तो आप लोग का जितना ड्यूरेशन बढ़ाना होगा 11 सेकंड 12 सेकंड वहाँ तक ले आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, एंड आप लोग को इतना कर लेने बाद स्टार्टिंग में आ जाना है। यहाँ पर आने बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद नीचे यहाँ पर वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक कर देने बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से किसी भी गर्ल का फोटो ऐड कर लेना है। ठीक है, जिसका भी फोटो ऐड करना होगा उस फोटो को आप लोग ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इस किसी भी फोटो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस फोटो को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने बाद आप लोग को क्या करना होगा, किसी तरीके से ऊपर इसको बड़ा कर लेना है। अब बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से ऊपर इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से आप लोग को क्या करना हो, नीचे वाला जो फोटो है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड इसको हम लोग कुछ इस तरीके से थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे कर लेना है। और नीचे कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, ऊपर वाले फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर क्लिक कर देने बाद फिर से क्या करना, यहाँ पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग को सबसे पहले क्या करना, ऊपर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ठीक है, और ऊपर कर लेने के बाद यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद लास्ट में आप लोग को यहाँ पे मास्क का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे लीनियर का ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर से आप लोग को दोबारा उसी पर टैप कर देना है, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो जो यहाँ पे बीच में सर्किल है उस पर टैप करके उसको नीचे कर देना है। ठीक है, और नीचे कर देने के बाद आप लोग कुछ इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ पे जो एरो है नीचे वाला, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे करना है। एंड आप लोग कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इतना कर लेने के बाद इसको सेव कर लेना है। ठीक है, और सेव कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग का फोटो ऐड हो चुका है। एंड फिर से इसी पर टैप करके इसको भी आप लोग कुछ इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इतना कर लेने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाना है। और फिर से यहाँ पे नीचे यहाँ पे बीच वाले प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी इस यहाँ पे वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करके जिस सॉन्ग को ऐड करना है आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, म्यूजिक सॉन्ग। ठीक है, तो आप लोग को आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कोई भी ब्लैक स्क्रीन वाला म्यूजिक सॉन्ग डाउनलोड करके आप लोग उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है। एंड आप लोग कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एडजस्ट कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ब्लेंडिंग का ऑप्शन होगा। ठीक है, ब्लेंड का, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो स्क्रीन वाले ऑप्शन पर इसको रख लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्क्रीन। ठीक है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ब्लैक गायब हो जाएगा। एंड आप लोग को यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। और सेव कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से म्यूजिक ऐड हो चुका है, देख सकते हैं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं उस पर टैप करके। तो आप लोग ऊपर या नीचे जहाँ भी रखना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं तो भी आप लोग का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा करना चाहते छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर लेना है। ठीक है,
तो हम लोग का वीडियो एडिट हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग का वीडियो एडिटिंग हो चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव करने के लिए ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसको मैनुअल पे यहाँ 4K रख लेना है, 60 FPS पे रख लेना होगा और इसको हाई कर देना है, ठीक है। एंड इतना कर लेने में नीचे यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है।